आज जब मैं घर से निकली तो बिल्डिंग में बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात हो गई हो। लाइट के बिना कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, और वो था इसलिए। जयपुर में संडे के दिन था, बारिश का फोरकास्ट, और ऐसा हुआ भी। आज अच्छी खासी यहाँ पे बारिश हुई। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे, संडे की शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं बाहर। तो मुझे लगा कि एक फूड वीडियो जो है हम शूट कर सकते हैं, ताकि मैं अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वीडियो में डाल सकूं और आपको दिखा सकूं। तो वैशाली नगर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं फूड के, जहां पर आपको अलग अलग तरह का खाना मिल जाएगा, चाहे वो चाइनीज़ हो, फिर चाहे वो इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, बहुत सारी एन नंबर ऑफ वैराइटीज़ हैं। और हम वहाँ पे जाके कर रहे हैं एक्सप्लोर, और आपको दिखाते हैं कि हम वीडियो कैसे बनाते हैं, वैशाली नगर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते रहिए मेरी वीडियो। तो जब तक हम घर को लॉक लगा रहे होते हैं, आर्या इस तरह की चीज़ें करती है, जैसे लिफ्ट के बटन दबाना, लिफ्ट के अंदर बाहर जाना, कभी सीढ़ियाँ चढ़ना, कभी अपने फ्रेंड्स के आसपास जाना, सब कुछ करती हो। दिन में बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं बाहर आके चीज़ों को देख सकूँ। तो जो भी मौसम होता है, या तो मुझे किसी और से पता चलता है, या मैं कभी कभी सैर करने के लिए बाहर आती हूँ तब देखता है। और अभी मैं बाहर आई हूँ और आज जो है कंपेरेटिवली मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही है, क्योंकि सुबह यहाँ पे हुई थी हल्की बारिश, हुई थी बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की बारिश थी, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में रात हो गई हो, कुछ इस तरह का मौसम था। और जयपुर में जो है पहले से फोरकास्ट था कि इस तरह से होगा, और मुझे लगता है कि इससे सर्दी भी बढ़ जाएगी। जयपुर में शादियों का मौसम पीक पर है, और जब हम बाहर निकले तो रास्ते में बहुत सा ट्रैफिक था, हर जगह ढोल बज रहे थे, शादियां हो रही थी, और पटाखे जो है ना वो तो अलग ही लग रहे थे, क्योंकि वो आसमान में जाके इतने खूबसूरत लगते हैं कि उनको देख के ही लगता है कि शादी हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और गाड़ी जो है पूरे तरीके से बंद थी, तो इसीलिए हमारे विंडस्क्रीन पर बहुत ज़्यादा धुंध जम गई थी। लेकिन इसके लिए बेस्ट ट्रिक है कि आप एसी चलाएं, एसी के बाद में कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर, और हमारी मंजिल क्या है हम अभी आपको दिखाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं रारा मोमोज, जो कि है वैशाली नगर में, यहाँ का सबसे फेमस मार्केट है ये। और यहाँ पर इस सबसे फेमस मार्केट की सबसे फेमस शॉप है ये, जहाँ पे आपको चाइनीज़ बहुत अच्छा मिलेगा। ये है इनका मेन्यू, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैंने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मैंने बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें ली हैं, और फाइनली मेरा ऑर्डर रेडी हो गया, क्योंकि बेसिक चीज़ों का ऑर्डर था। और अब हम जा रहे हैं घर। यहाँ पे अभी भी बारिश कंटिन्यू थी, लेकिन इसी बारिश की वजह से ना आसपास मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो हम घर आ गए हैं, और आज जो है ना जयपुर कुछ अलग ही मुझे लगा, क्योंकि फिर से मुझे वो मॉनसून याद आ गया, जब इतना सारा पानी और इतना सारा ट्रैफिक। बट खैर, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारा संडे जो है ना रारा मोमोज जो है उन्होंने स्पेशल बना दिए, क्योंकि हम लेके आए हैं मोमोज। थैंक यू। आर्यो को बहुत ज्यादा पसंद है मोमोज, बट वो लिमिट में ही खाती है। लिमिट में खाओगे ना, प्लेट में से उठा के नहीं लेके जाना। तो ये हैं उनके मोमोज, ये वहां पे है 100 रुपीज प्लेट, और पीस जो आपको दिख रहे हैं वो शायद 9 है, 1, 2, 3, 4 और 5, 9 है। और ये है उनका स्प्रिंग रोल, इस तरीके से पैक करके देते हैं। पंचकुला में जहाँ से मैं हूँ ना, और चंडीगढ़ में भी, और शायद जहाँ पे भी मैं देखा है मैंने, वहाँ पे उसको काट के देते हैं, लेकिन ये लोग जो है इसको इस तरीके से पैक करके देते हैं, फ्राई करने के बाद में उसके अंदर लगाते हैं इस तरीके से सारी सब्जियाँ और गोभी वगैरह डाल के, उसका अलग ही टेस्ट आता है। फिर बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। स्प्रिंग रोल,
ये 110 रुपए की प्लेट है और इसमें आपको मिलते हैं 7 पीसेस और इनके अच्छे पीस बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। और ये गार्निश, गार्निश के लिए तो डिनर शुरू भी हो गया है। इसके बाद में इडली सांभर भी तो बनानी है, वो भी खाएंगे कि नहीं? आ रहा बताओ। इस तरह की गार्निशिंग की जो सुगंध है ना, वो सुन के मुझे एकदम से पंजाब याद आ गया। वहां से भी कभी आप छोले भटूरे या ये सब चीजें खाएंगे ना, तो आपको इसी तरह का मसाला वहां पे मिलेगा। ऐसा रारा मोमोज की चटनी, यहाँ पे दो तरह की चटनी मिलती है और बाकी जगह अगर आप जाएंगे तो फिर आपको मिलेगी मीठी चटनी। वैसे वो पंचकुला में मिलती थी, अब पता नहीं मिलती है कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया वहाँ पे खाए हुए। तो वहाँ पे मिलती थी मीठी चटनी, तीखी चटनी, मायोनीज अगर आपकी चॉइस है तो ले सकते हैं। और साथ में वहाँ पे हरी चटनी भी मिलती थी, वो तो मतलब अलग ही लुक देती थी, अलग टेस्ट देती थी, वो बहुत बढ़िया। पसंद है आपको मोमोज? आर्या वैसे तो सब कुछ खा लेती है क्योंकि अब वो 2 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन मोमोज उसके हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं। जब से उसने मोमोज को देखा है, पहली बार टेस्ट किया है, तब से वो मोमोज खाती है। और देखिए, उसके पापा उसे मोमोज मांग रहे थे लेकिन उसने साफ मना कर दिया, और वो मोमोज किसी भी कीमत पे किसी से भी शेयर नहीं करती है। उसको चॉकलेट और मोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। देखिए, उसने थोड़ा सा दिया लेकिन उतना उसने वापस भी ले लिया। एक तरीके से उसने अपने पापा के हाथ को यूज़ किया कि मैं वहाँ पे जो अंदर का मटेरियल है वो रख के खा लेती हूँ, बाकी जो मेरे हाथ में है वो एटलीस्ट मेरा ही रहेगा। ये है उनका स्प्रिंग रोल जिसमें है नूडल्स फॉर चेंज, अदरवाइज जो मैंने खाया है ना उसमें सिर्फ सब्जियां ही होती है। ये अलग तरीके का भी ऑरेंज ऑरेंज टाइप तो मसाला है इसमें, और ये काफी अच्छा है टेस्ट में। तो अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी। हमारा सांभर जो है पहले से ही रेडी है और अब मुझे तैयारी करनी है इडली की। बैटर मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, इसमें दही मैंने अच्छे से डाला था, लेकिन आज मैंने बैटर पतला रखा है क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि इससे कितनी अच्छी और कितनी अलग तरह की इडली जो है बन सकती है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं ईनो, उसके बाद में हम तुरंत जो है अपने बैटर को इडली कुकर में सांचों में डाल देंगे और जल्दी बन जाएगी हमारी इडली। इनो डालने के बाद में हमारा बैटर दिख रहा है कुछ इस तरीके से, और ये बिल्कुल रेडी है आज के हमारे डिनर को हमारे सामने लाने के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा इडली कुकर मुझे रेडी लग रहा है हमें आज का डिनर देने के लिए। और ये देखिए, हमारी इडली है तैयार। और क्योंकि आज मैंने जो है थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था इंटेंशनली, तो ये जो है काफ़ी पतली इडली मुझे लग रही है देखने से ही। तो इसको निकालते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसको मैंने इस चिमटे से निकालूंगी मैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है पानी ज़्यादा था तो इसीलिए ये थोड़ी सी लचीली सी बनी है। तो ये है आर्या के लिए डिनर। आर्या को भी इडली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसमें कभी इसको सांभर मिला के देती हूँ या फिर थोड़ी सी दाल जो उबली हुई होती है तो वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं आती, उसको सिर्फ कच्ची इडली ही पसंद है। और अगर उसका मूड करता है तभी वो एक बार में खाना खाती है, जो कि उसका अभी नहीं था। तो कभी वो कुछ और कर रही थी, कभी कुछ और कर रही थी, लेकिन खाना जो है उसने एक इडली ऑलमोस्ट खाई और उसके बाद में वो टीवी देखने लगी, कभी वो इधर उधर जाने लगी। कुछ इस तरीके से करते हुए मैंने उसको जो है दोनों इडली अच्छे से खिला दी और उसका हो गया डिनर कंप्लीट। मम्मा को किसी करो। हेड
आरू कहाँ? आरू आरू कहाँ है? आरू कहाँ है? आरू आरू कहाँ है? डिनर करने के बाद में थोड़ी बहुत एनर्जी तो सभी में आ जाती है, लेकिन आर्या में जो इनबॉर्न एनर्जी है उसे निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो अपने पापा को पेंटिंग करके दिखा रही थी और उनसे अप्रिसिएशन भी ले रही थी। और इतना खेलने के बाद में किसी भी बच्चे को नींद आ जाए तो आर्या को भी हमने सुला दिया, उसने दूध भी पी लिया। सुकून से सोते इस बच्चे को देख के कौन कह देगा कि आज इसने इतना उधम मचाया होगा।